गया तू। प्यारे बच्चों, आप आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दुआ और सुनना। आपने उससे पहले वीक में जो हमने दुआ कराई है वो याद कर ली होगी। आज की हमारी दुआ है सोने से पहले की दुआ। आओ बच्चों, हम सब मिलकर इस दुआ को पढ़ते हैं और उसको याद भी कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। प्यारे बच्चों, ये दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है कि जब हम सोने के लिए अपने बेड और अपने बिस्तर के ऊपर जाए तो ये दुआ भरकर सोए। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुआ के साथ अगर कुछ अमल हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत फ़ायदा होगा। नंबर वन, जब हम सोने के लिए अपने बिस्तर के ऊपर जाए तो अपने बिस्तर को साफ कर ले, अपने बेड को साफ कर ले। नंबर टू, चार कुल पढ़कर सोए। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। नंबर थ्री, आयतुल कुर्सी पढ़कर सोए। नंबर फोर, तस्बीह फातिमा पढ़कर सोए। तस्बीह फातिमा ये है 33 टाइम, सुबहानअल्लाह 33 टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह 34 टाइम, अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हम पढ़ेंगे और उसके बाद अपने हाथों के ऊपर फूंक मारकर अपनी बॉडी के ऊपर फेर देंगे तो इंशाअल्लाहु ताला उससे ये फ़ायदा होगा कि हम हमारी बॉडी के अंदर जितना भी थकान होगा उस तस्बीह के ज़रिए से दूर हो जाएगा इंशाअल्लाहु ताला। तो प्यारे बच्चों, ये अमल हमें याद भी कर लेना है और उसको दूसरों को बताना भी है और उस पर अमल भी रोज़ाना करना है इंशाअल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।